सिस्टम ये सही है क्योंकि पैसेंजर को इसमें जो पहले आता है उनको पहले सीट मिलती है। पब्लिक आती थी, लड़ाई करती थी और हम जैसे बैठे हैं उनको हमें भी बैठा देते, खुद बैठ जाते थे आगे आने वाली जगहों पे। कंटिन्यू आता बेटर है, बेटर है, तो ये सिस्टम अच्छा है। कितने दिन चलता है, क्या होता है इस पे, ये आगे की जानकारी। हाय गाइस, आई एम अमरदीप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए यादव ब्लॉग्स। तो आज मेरा फर्स्ट ट्रेन ब्लॉग बन रहा है संपूर्ण क्रांति। और एक मेन इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, शायद मेरे साथ तो पहले भारत में पहला बार हो रहा है, भारत में पहला बार जनरल टिकट लिया है मैंने, इसका सीट मुझे मिला है अनरिजर्व 2 में 47 नंबर। ये पहली बार हो रहा है, अब पहले स्टेशन आ जाओ और जनरल में भी सीट पहले मिल जाता है, तो फर्स्ट टाइम है, देखते हैं और जाएंगे बैठेंगे तो पता चलेगा क्या सीट मिलता है कि नहीं। आज मैं जिस ट्रेन का ब्लॉग बना रहा हूँ वो ट्रेन नंबर 12393 जो राजेंद्र नगर टू न्यू दिल्ली जंक्शन है। बीच में इसके 4 स्टॉपेज पड़ते हैं, पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मिर्ज़ापुर और कानपुर सेंट्रल और उसके बाद नई दिल्ली। टोटल इसका डिस्टेंस है 1005 किलोमीटर। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जो मेरा टिकट जो रिजर्वेशन हुआ है जनरल में सीट नंबर मिला उसके लिए लाइन कैसे लग रहा है वो दिखाता हूँ। इस ट्रेन में टोटल 3 अनरिजर्व डब्बे हैं जिसके लिए लाइन लग रहा है। पहला अनरिजर्व डब्बा है UR1, इसके लिए लाइन इधर लग रही है, इधर ये सब लाइन में खड़े हैं। सेकेंड अनरिजर्व डब्बा यहाँ से स्टार्ट है, इसका लाइन यहाँ से लगा हुआ है और जिसमें मेरा इसमें 47 सीट है और ट्रेन सामने आ रही है, मैं अभी अब लाइन में जाता हूँ। टोटल अनरिजर्व डब्बा 3 है जिसमें से दूसरा मेरा है, मैं लाइन में लगाऊँ, तीसरा इसके ठीक पीछे स्टार्ट है लाइन। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, लास्ट तक वॉचिंग करें। और पीछे ट्रेन आ रही है, जैसा आपको दिख रहा होगा ये रहा लोकोमोटिव, भी मैं दिखाता हूँ आपको। सीट नंबर UR47 और इस नंबर का मिलने का मैं फ़ायदा आपको बताता हूँ। संपूर्ण क्रांति में अनरिजर्व बोगी में आपको सीट मिल गया इतना, और ये खाली है अभी, सीट के लिए अभी आएंगे, इस पे बैठेंगे, सीट लेंगे, तो ये देखते हैं, इसका पूछेंगे पब्लिक से ये कैसा लगा, ये सिस्टम कैसा है और इसके बारे में बताऊँगा। तो आगे बने रहो, बहुत मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। अभी गाड़ी को चलने में 50 मिनट्स है, तब तक मैं आपको गाड़ी का कंडीशन दिखाता हूँ, ये कैसा गाड़ी है, अंदर डब्बा का कंडीशन दिखाता हूँ, क्या क्या है अंदर। यहाँ पे चार्ज करने के लिए मोबाइल आपका एक मिल जाता है, और ये फ़ैन का है दोनों ऊपर, और यहाँ पे आपका हुक मिल जाता है, इसमें आप बैग या कुछ थैला है वो टांग सकते हैं, ऊपर सोने का है। और अब मैं आपको जनरल डब्बा में मेन प्रॉब्लम होते हैं टॉयलेट बाथरूम का, मैं अब वो आपको दिखाता हूँ कैसा है जनरल डब्बे का ये बाथरूम टॉयलेट। को ये बाहर में पानी मिल जा, पानी है आ रहा है, ये आपका मिरर आगे लगा हुआ है, और डस्टबिन इसमें नहीं है, डस्टबिन नहीं है, ऐसा रहता है इसमें अभी है नहीं। बाथरूम दिखाता हूँ, तो बाथरूम में अंदर भी आपको एक मिरर मिल जाता है और ये पानी इसमें भी आ रहा है, कंडीशन ठीक है। ट्रेन साफ भी बहुत है, जितना रहना चाहिए साफ है, कंडीशन बहुत अच्छा है इस ट्रेन का, और जितने भीड़ रहनी चाहिए बहुत कम भीड़ थी, अभी कुछ सीज़न ऐसा चल रहा है जिसके कारण भीड़ कम है। और रिजर्वेशन का ये जो किया है जनरल डब्बे में, इसमें भी बहुत फ़ायदा होता है भीड़ से, और मैं आपको लोगों से बात करवा के दिखाता हूँ कि ये जो किया है कैसा, सही है क्या ख़राब है, तो इसका रिव्यू आपको करवा के पूरा दिखाता हूँ। तो मेरे साथ है भैया, तो भैया बताइए ये जो सिस्टम हो रहा है ये कैसा लग रहा है सिस्टम? हाँ, यहाँ का ये सिस्टम अच्छा लग रहा है, जैसा कि जो है पब्लिक आती थी लड़ाई करती थी और हम जैसे बैठे हैं उनको हमें भी बैठा देते, खुद बैठ जाते थे आगे आने वाली जगहों पे, लेकिन यहाँ पे ठीक है कि चलो मैं सीट मिल गई है, मिल गई तो आप सीट अपना कंफर्म। हाँ, आप कोई टेंशन नहीं है, जहाँ तक सीट जहाँ तक जाना है वहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, यही ठीक। अच्छी भैया आप बताइए,
बताइए आपकी कैसा सिस्टम है ये? सिस्टम ये सही है क्योंकि पैसेंजर को इसमें जो पहले आता है उनको पहले सीट मिलता है, और जो स्टेशन यहाँ से मान के चलिए राजेंद्र नगर से गाड़ी खुलती है दिल्ली तक जाने में सफ़र आसान होता है। सफ़र आसान हो जाता है। आप बताइए बढ़िया सिस्टम बढ़िया है भैया, आप बताइए। बहुत अच्छा लगा, अगर ये सिस्टम कंटिन्यू रहा तो सबसे बेटर है। हो सकता है कि कहीं ये रेल वाले ने ऐसे धनतेरस के अवसर पर ऐसे दिया हो, अगर कंटिन्यू है तो बेटर है। बेटर है। तो ये था कुछ पब्लिक रिएक्शन, और मैं आगे आपको पब्लिक रिएक्शन दिलाता हूँ कि ये कैसा सिस्टम है। तो मेरे साथ एक और भैया ये आए हैं, तो भैया बताइए आप ये अभी जो सिस्टम चल रहा है वो कैसा चल रहा है? वैसे तो ये सिस्टम अच्छा है, कितने दिन चलता है क्या होता है इस पर ये आगे की जानकारी ये पता चलेगा आगे पता। अभी ठीक चल रहा है अभी तो फिलहाल में ठीक है। अभी सीजन ऑफ क्या रहा है या ऑफ क्या? सीजन तो ठीक है लेकिन इसमें त्यौहार में भी सीजन है, दीपावली चल रही है और सभी चल के अगर सही रहता तो ज़्यादा विश्व। आप बताइए भैया क्या बता ये सिस्टम कैसा है जो टिकट में अभी नंबर दे रहा है? हम लोग को तो ये विचार से सही है, देखिए आगे क्या होता है। आगे का आप देखना है बस। एक अंकल और हैं, अंकल आप बताइए ये अभी सिस्टम जो अभी चल रहा है ये तो सही है जनता के अगेंस्ट में, लेकिन आगे तक चले तो इसको बहुत अच्छा कहा जाएगा। अभी ऐसे सीजन नहीं है इसलिए सवारी आपस में कम्प्रोमाइज करके बैठ सकती है, लेकिन जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो उस समय अगर ये सिचुएशन हो तो बहुत बेटर है। बहुत बेटर है आने वाले टाइम में, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उसके बाद ये सक्सेस करता है उसके तब ये ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं। नहीं आपके हिसाब से ठीक है। तो चलिए आप भैया बताइए आप अभी ये सिस्टम जो चल रहा है कैसा चल रहा है? ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही चलना चाहिए। ऐसा चलेगा तो ऐसा चलेगा तो पूरा आदमी को अच्छा सीट मिलेगा, आराम से बैठ के जाएगा, भीड़ भाड़ नहीं होगा, दिक्कत परेशानी नहीं होगी। रेलवे डब्बे ही बढ़ाने चाहिए। क्या जी? रेलवे डब्बे ही बढ़ाने चाहिए, जब आदमी ज़्यादा होगा तो सीट कम पड़ जाएगी तो कैसे एडजस्ट होगा। क्या बढ़ा आप बताइए बाबा, आप बताइए इधर कैमरा तरफ देखे बोलिए। ठीक है ठीक है, पानी का इसलिए थोड़ा कब कब ना चलता है तो देखिए। आप बताइए अंकल कुछ। सही है जो सब बता रहा है, यही अगर चल जाए तो सही है, ये तो आम जनता है, आम जनता चलने देगी तो चलेगी, और रही जनता बिगाड़ेगी तो बिगड़ जाएगी। अभी फिलहाल ठीक है, फिलहाल तो ठीक है, और सीजन आने पॉपुलेशन अभी आ जाएगा, सीजन आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए या नहीं कैसे हो रहा है। तो मान के चलिए अभी 15-20 दिन बाद मालूम चल जाएगा, तो चलना ही है पूजा के बाद। ठीक है, तो ये था पब्लिक का कुछ रिव्यू। जब है नहीं तो कहाँ से गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं फिलहाल सुबह के 9, गाड़ी 1 घंटे 15 मिनट लेट आए थे और नींद रात भर ठीक से आई। पटना से आते टाइम संपूर्ण क्रांति में कम से कम 3 बार मुझे हिजड़े मिले भाई, सबको 10-10 रुपये दो, ये गलत बात है, इतने हिजड़े नहीं आने चाहिए। एक बार आ गए आ गया, बार बार आ रहे हैं भाई, तो रेलवे पे इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और आप सबको भी कंप्लेन करना चाहिए भाई, इतना 3-3 बार आना गलत है, एक बार आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम, और ज़बरदस्ती पैसे निकलवाते हैं, तो इस सब पे ध्यान देने की ज़रूरी है। और ऐसे जर्नी बहुत अच्छी रही और वीडियो आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके जाओ, कमेंट करके जाओ और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी बहुत दीपावली से रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।